नमस्कार, विंध भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। खबरों की शुरुआत करते हैं। एंकर 5। विंध के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी में भी अब जब मरीजों के लिए जगह नहीं मिल रही है। एक दिन में जहां 200 से 400 मरीज आते थे, वहां आज इनकी संख्या 2 से 3 हजार पहुंच चुकी है। विंध के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी में भी अब मरीजों के लिए जगह नहीं मिल रही है। एक दिन में जहां 200 से 400 मरीज आते थे, वहां आज इनकी संख्या 2 से 3 हजार पहुंच चुकी है। वरिष्ठ चिकित्सकों का मानना है कि प्रत्येक दिन मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण लोगों के सामने बुखार, सर्दी, खांसी, मलेरिया जैसे संक्रमण का संकट आ खड़ा है। वहीं मौसम विशेषज्ञों का अपना एक अलग ही मत है। इनका मानना है कि हल्की बारिश के बाद भूमि से निकलने वाली हवा और अचानक मौसम में हो रहे परिवर्तन को शरीर का सहन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण तेज बुखार, सर्दी, खांसी जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इन बीमारियों से बचने के लिए संजय गांधी अस्पताल के CMO डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसके लिए अपने आसपास साफ सफाई का आवश्यक रूप से ख्याल रखें। पानी अधिक से अधिक की है और बाजार की चीजों को खाने से बचें। वहीं बच्चों को बाहर कम से कम भेजने का प्रयास करें, जिससे उन पर मौसम का अधिक प्रभाव ना पड़े। अभी बरसात जैसे ही खत्म हुई है, करीब खत्म हो गई है, तो गर्मी बहुत बढ़ गई है अचानक। ऐसा लगता है कि इसकी वजह से ऐसे मौसम में, जब भी नमी और गर्मी का मौसम होता है, उमस का मौसम जिसे कहते हैं, मौसमी बीमारियां, वायरस, इनका उत्थान होता है। तो उसी वजह से ये मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की बहुतायत हो गई है, बहुत संख्या बढ़ गई है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ त्यौहार भी थे, इस कारण भी कुछ कम थे, और त्यौहार के तुरंत बाद से फिर संख्या, ये भी कारण है थोड़ा बढ़ने का। मरीज अधिकांश मरीज सर जो आ रहे हैं, उनको खांसी, सर्दी और ये कफ की शिकायत हो रही है, क्या कहीं गंभीर बीमारी तो नहीं है? नहीं, गंभीर नहीं। ज़्यादातर मरीज इसी तरह के हैं जो मौसमी बीमारियों से सतही तौर पर बीमार हैं, जिन्हें 2-4 दिन आवश्यकता दवाई खाने की या आराम की होती है, कुछ ही गंभीर होते हैं। सर, इसके बचाव के कुछ उपाय हैं या? अब वर्तमान में पानी खूब पीते रहें, साफ़ सुथरा खाना खाएँ, इस समय दूषित खाद्य पदार्थ बहुत होता है, तो उससे बचाव रखना चाहिए। और यथासंभव अपना इस बात से कोशिश करें कि बहुत एग्जर्शन का काम ना हो, ऐसी जगह क्लोज स्पेस में काम ना करें जहाँ गर्मी बहुत हो रही है, ऐसे समय में लोगों को परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं।